ये तो बिल्कुल, ये पापा, ये दादी, मम्मी जी, टाइम इज ओवर। बिल बिल आरव, हमने वो पेपर्स ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो पेपर हमें नहीं मिले। लेकिन वो एक कमरा है, एक अजीब सा कमरा, तुम्हें पता है इसके बारे में? हम वहां गए और ये पापा की आवाज आई, ऐसा लगा कि पापा हमें पुकार रहे हैं। अरुंधति क्या पागलों जैसी बात कर रही हो तुम? आरव हमारा यकीन करो, हम सच कह रहे हैं, हमने पापा की आवाज सुनी। ये तुम्हारा भ्रम होगा या फिर तुम्हारे कान बज रहे होंगे। हर वक्त मिस्टर कैलाशनाथ की डेथ के बारे में सोच रही हो तो क्या होगा? चाचा जी का फोन आया था, अस्थि विसर्जन हो गया है। अब जाकर भी भैया इस लड़की से बात नहीं कर सकते, पर कह रही है बात देखी कहां से, कि ऊपर से आकाशवाणी हुई शायद। हाँ हाँ, ऐसे ही डॉल्स हमने उस कमरे में देखी थी, बहुत ही अजीब सा कमरा था। और मम्मी जी है ना, उन्होंने हमें रास्ता बताया था और हमने पापा की आवाज भी सुनी थी। ये लड़की सचमुच पागल हो गई है। ये लड़की दिन रात किसी ना किसी साजिश के बारे में सोचती रहती है। ऐसे पागलपन को अंग्रेजी में कुछ कहते हैं, हाय हाय क्या कहते हैं, साइको। हाँ, साइको वाली पागल हो गई है ये लड़की, है ना? आप लोग हमारा यकीन क्यों नहीं करते? हम सच कह रहे हैं, हमने पापा की आवाज सुनी। तुम मुझे विल नहीं देना चाहती ना, इसलिए ये सब कर रही। चिरोड़ अरुंधति, मुझे अब डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा और तुम्हारा ये दिमाग चेक करवाना पड़ेगा। नहीं, हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। साहिल, आरव, साहिल कहाँ है? तुमने क्या किया साहिल के साथ? आरव सच सच बताओ, साहिल कहाँ है? वो जिंदा तो है ना? कहते क्यों नहीं तुम कुछ, कहाँ है साहिल, बताओ हमें। बच्चा खा पी कर खेल कूद कर आराम से सो रहा है। पागल तो इसे मैंने पहले ही बना दिया था, लेकिन प्यार से
अब मैं इसे पागल करूंगा। तरस इसे ऐसा झटका दूंगा कि ये और उसका आशिक दोनों सरकारी पिटारे में बंद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। अरुंधति क्यों पागलों से हरकतें कर रही हो तुम? अरब अरब इस कमरे में कोई है। अभी पापा की आवाज में कोई हमें बुला रहा था। अरब हमारा नाम ले रहा था कोई। क्या हुआ? हाँ शाउटिंग क्यों कर रही हो? हुआ क्या? अम्मी जी बुआ जी वो हमने पापा की आवाज सुनी। क्या? हाँ लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। अरब तुम्हारे आने से पहले ये दूसरी बार हम सुन रहे हैं। मैं भी तो कमरे के बाहर ही थी। मैंने भी कुछ नहीं सुना। कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ आप लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे? आप झूठ क्यों बोलेंगे? अब थोड़ी देर में तुम कहोगी कि तुमने मिस्टर कैलाशनाथ को साक्षात देखा। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो तुम्हें लगता है कि इस कमरे में मिस्टर कैलाशनाथ का भूत है? अरुंधति तुम सचमुच वो साइको वाली पागल हो रही हो। तुम्हें वो साइको वाले डॉक्टर की जरूरत है। हाँ हम बिल्कुल ठीक है। हम झूठ क्यों बोलेंगे? मम्मी जी देखिए ना ये हमें पागल कह रहे हैं। काम डाल बैठो यहाँ बैठो तुम बैठो। तुम थोड़ा सा रिलैक्स करो और मेरी एक बात सुनो। इस घर की शांति के लिए कल मैंने घर में शांति पाठ रखवाया है। वो पूजा तुम करोगी तुम्हारे मन को शांति मिलेगी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। मिसेस कैलाशनाथ इन्हें वो पूजा पाठ की जरूरत नहीं बल्कि साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हम क्यों कुछ भी बोलेंगे वो भी खुद को पागल साबित करने के लिए। मम्मी जी आप तो यकीन कीजिए हमारा प्लीज। हाँ ऑफ कोर्स तुम पागल नहीं हो ये भी कोई कहने वाली बात है पर एक बार डॉक्टर से बात करने में हर्ज तो नहीं है। वो कुछ मदद ही करेंगे ही लोनली हेल्प। पर अभी देर रात कहाँ डॉक्टर मिलेगा ना? मेरे पास दवाई है वो दिमाग का टेंशन होता है ना उसको शांत करने की दवाई दे दूँ।